एक कहावत है, वो झूठ इतनी शालीनता से बोल रहा था, हम एतवार न करते तो क्या करते। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट पड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए फंसे दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार टीवी। बड़े ही भारी मन से आज हम आपको ये समाचार सुना रहे हैं, क्योंकि इस समाचार को सुनाते वक्त हमें ये भी लग रहा है कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे भी या नहीं। दूसरी तरफ ये भी हमें उम्मीद है कि आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ होगी तो आप इस परेशानी को ज़रूर समझ जाएंगे। कोरोना के समय में, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही बुरी महामारी थी, लेकिन कोरोना में मिसमैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या रहा था। पहले लॉकडाउन को तो लोग झेल गए थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का काम बंद हो गया था और उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे और कुछ लोग इतने डरे हुए थे कि शायद वो अपने परिवार से मिल भी पाएंगे या नहीं, तो उन्होंने अपने गांव की तरफ जिस पर जिस स्थिति में जैसे भी बन पड़ा चल पड़े थे। कुछ लोग पैदल, कुछ साइकिल पर, कुछ अपने बच्चों को कंधे पर, अपनी बीवी को कंधे पर लेकर, कुछ लोग अपने माता पिता को लेकर चल दिए थे। जब लोगों की हालत इतनी बुरी हुई, लोग तड़प तड़प कर मरने लगे, आधे रास्ते भूखे मरने लगे, बहुत सारी परेशानियां आने लगी, तो बहुत ही अच्छे दिल के कुछ लोगों ने रास्तों पर मदद की, जिस पर जैसे बन पड़ा मदद की और सरकारों से गुहार लगानी शुरू की। तब केंद्र सरकार और सोनू सूद, इन दो लोगों का नाम बहुत ही चर्चा में रहा था, क्योंकि इन्होंने बसें करके और जैसे तैसे जो भी इनसे हो पड़ा, इन्होंने लोगों को और उनके गांव भिजवाने का काम किया था। एक तरफ कांग्रेस ने भी काफ़ी बस लगा दी थी, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। तड़पते हुए लोगों को देखकर अगर उनकी मदद के लिए यह कदम उठाया गया तो क्या गलत था? क्या इन लोगों को जो जहाँ पर थे उन्हें वैसे ही तड़प तड़प कर मर जाना चाहिए था? क्या ये लोग कोई कीड़े मकोड़े हैं? आज प्रधानमंत्री का एक ऐसा भाषण संसद में सामने आया जिसे इस तरीके से घुमा फिरा कर पूरा किया गया कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो उनको पूरी तरीके से सही बताएंगे और बाकी सबको गालियां दे रहे होंगे। लेकिन इंसान कोई भी हो, सब व्यक्तियों की, सब इंसानों की जान की कीमत है। ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। अगर इनको आपने मदद की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके एक मंत्री ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें श्रमिक ट्रेन नाम से एक रेलगाड़ी चली थी जो लोगों को पहुंचा रही थी। अगर किसी के मदद करने के जज्बे को आप राजनीतिक तौर पर इस तरीके से हतोत्साहित करेंगे तो शायद दुनिया में कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं होगा। इंसानियत की ही एक मिसाल हम आपको बता रहे हैं कि ट्विटर पर आज मोदी के नाम से मोदी झूठा है इस नाम से एक हैशटैग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और मोदी की पूरे देश भर में आलोचना हो रही है। स्वयं जितने लोग समर्थक थे उनमें से लगभग 80% समर्थक भी मोदी की इस बात से सहमत नहीं है और उन्होंने भी ये माना कि ये जो उन्होंने कहा है ये बिल्कुल गलत है। खुद संसद में भी उनके इन बातों पर इतनी आलोचना हुई और सेम सेम के नारे लगे कि मोदी का चेहरा भी निस्तेज हो गया और चेहरा भी उतरा और काला सा पड़ गया, लेकिन उन्होंने अपने भाषण को जारी रखा और इतनी आलोचना और वो बंद नहीं हुए। इस वीडियो के बारे में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमने जो आज ये न्यूज़ बनाई है इस पर हम आपकी राय चाहते हैं। क्या हमारा नज़रिया सही है या गलत, आप भी ये बताइए, हम भी आपके नज़रिए को जानना चाहते हैं। गाली लिखें, तारीफ लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन आज आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता है।
देखते रहिए परिवार टीवी, खबर अच्छी बात सच्ची। नमस्कार। परिवार टीवी, खबर अच्छी बात सच्ची।